Hello everybody, welcome to Unacademy class 11th and 12th channel. How are you guys doing? Good afternoon to everyone. जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कर दीजिए क्योंकि हम करने वाले हैं एक मजेदार क्विज ऑन लिविंग वर्ल्ड. मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में आपको पूरा लिविंग वर्ल्ड शॉर्ट में पर कोई भी डिटेल ना छोड़ते हुए पूरा समझाया है ना. तो अब आप लोग रेडी हैं क्विज के लिए. आज हमारे क्विज दो पार्ट्स में होंगे. एक होगा अनअकैडमी ऐप पर क्विज और एक होगा यहाँ पर ऑन दिस प्लेटफॉर्म क्विज, राइट? तो दोनों के मजे उठाते हैं. जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्विज गाइज. ओके, तो सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग गाइज. जब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, सब बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए. सब बच्चे हरी अप एंड डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ठीक है, जितने भी बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की, जल्दी 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 डाउनलोड कर लीजिए. हरी अप हरी अप हरी अप एंड प्रेस दैट लाइक बटन ऑल्सो गाइज, जल्दी से जल्दी. हाँ जी, एक काम करना है सबने, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, सीबीएसई गोल चूज करना है क्लास 11th प्लस पर जाकर और फिर टेस्ट पर चले जाना है. मैं अभी आपको स्टेप्स बताती हूँ. ठीक है, लेट मी गो टू द स्टेप्स फर्स्ट. तो स्टेप्स हमारे हैं, गो टू प्ले स्टोर. ओके एवरीबडी, प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बाद कहाँ जाना है आपको, गोल चूज करना है अपना. प्लस पर जाने के बाद सीबीएसई क्लास 11th, ना कि 12th, सीबीएसई क्लास 11th. फिर सिलेक्ट करना है टेस्ट. ठीक है, टेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद, हाँ जी अंशु, जितेंद्र, दिशा, रिद्धिमा, गुज्जर गर्ल्स, साहिल, शुभम, सबने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखी है. अगर नहीं कर रखी तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ. ठीक है, उसके बाद गोल क्या चूज करना है, सीबीएसई क्लास 11th. उसके बाद कहाँ जाना है, प्लस पर, राइट? प्लस पर जाने के बाद कहाँ जाना है, टेस्ट पर. क्या आपको ये दिख रहा है, पहला ऑप्शन होगा होम का. ठीक है, पहला ऑप्शन होगा होम का, दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, सिलेबस का, और तीसरा ऑप्शन आखिरी में होगा टेस्ट का. तो आपको कहाँ जाना है बच्चों, टेस्ट पर. टेस्ट पर जाने के बाद आप सबको ज्वाइन क्विज करना है. होस्ट मैं करूंगी, ज्वाइन आपको करना है. ठीक है, ज्वाइन द क्विज. जितना आप क्विज खेलेंगे उतने आपको कॉइन्स मिलेंगे और सब्सक्रिप्शन उतनी ही सस्ती हो जाएगी, राइट? इट विल, यू कैन रिडीम द कॉइन्स गाइज, यू आर गोइंग टू अर्न कॉइन्स. सो ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा. देखिए आयुष, दो जगह क्विज होगा, एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और एक यूट्यूब पर, दोनों जगह आज ही होगा क्विज. तो देखिए 10 क्वेश्चन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर करवाऊंगी और 15 क्वेश्चन यूट्यूब पर. ठीक है, तो दोनों तरीके से क्विज खेलेंगे. जल्दी से जल्दी से जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद सीबीएसई गोल 11 चूज कर लीजिए, उसके बाद प्लस पर जाइए, प्लस पर जाने के बाद टेस्ट पर, टेस्ट पर जाने के बाद ज्वाइन क्विज. ज्वाइन क्विज करने के बाद बच्चों आपका कोड क्या है, कोड क्या है, 308664. व्हाट इज द कोड, 308664. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, 5-7 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया हमें. हरी अप एंड ज्वाइन, 308664. सबको स्टेप्स पता चल गए. अंशु अभी बताती हूं. यस एवरीबडी, आई एम वेटिंग फॉर यू. हाँ जी, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी ना, 20 सेकेंड्स मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के. यू विल गेट 20 सेकेंड्स, देयर आर 10 क्वेश्चंस, लेट्स सी हु इज गोइंग टू टॉक. ठीक है, वासु, आयुष, शदान, खुशमन, माफिया, पीयूषा, पूजा, सुमित्रावच, संदीप, खुशमन. हाँ जी, टेस्ट पर खुशमन, टाइम है 20 सेकेंड्स. आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपडेट कर लेना है अगर आपकी अपडेटेड नहीं है. प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से ही ओपन कीजिए. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन द क्विज करेंगे फॉलोइंग द स्टेप्स कि आपको गोल सीबीएसई क्लास 11 चूज करना है, फिर प्लस पर जाना है, प्लस पर जाने के बाद टेस्ट पर जाना है. ठीक है, टेस्ट पर जाने के बाद ज्वाइन द क्विज. आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स अगेन गाइज. See this, step 1, Play Store. Step 2, Unacademy Learning App. Step 3, Plus. अगर आप नए बच्चे हैं तो जरूर आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपने नंबर से. ठीक है,
ठीक है, अपने नेम एंड नंबर से लॉग इन कीजिए, साइन अप कीजिए, मतलब प्लस पर जाइए, प्लस पर जाने के बाद टेस्ट पर जाइए, टेस्ट पर जाने के बाद ज्वाइन द क्विज। 15 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, हरी अप एंड ज्वाइन इन, हरी अप हरी अप हरी अप। संदीप कुमार यादव, बेटर होगा अगर आप ऐप पे खेलें, आपको कॉइन्स भी मिलते हैं बच्चे। यूट्यूब पर आप आंसर कर सकते हैं अगले पोर्शन ऑफ द क्विज में, पर बेटर होगा कि आप ऐप पर आंसर कीजिए, ठीक है। सलोनी 1 PM, यस, कर लिए सबने ज्वाइन? अभी तक तो सिर्फ 15 बच्चे हैं और ऐप लगता है डाउनलोड कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे। चलो हरी अप एंड ज्वाइन इन गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप। You can see on the screen 15 students have joined us. I need more students to join us right now guys. जो बच्चे join कर चुके हैं वो थोड़ा wait करें, patient रहें थोड़ा सा, ठीक है। Hurry up guys, आपको screen पर सारे questions दिखेंगे। The code is 308664. Good afternoon Fatima, जल्दी से join कर लीजिए quiz. कोड है 308664 ऑन योर स्क्रीन गाइस, ऑन योर स्क्रीन। देखिए बच्चों, ऐप पर तो होगा ही क्विज, साथ में इसके बाद आगे भी क्विज होगा, और आगे जो क्विज होगा ना वो यूट्यूब पर होगा। टाइमर होगा 60 सेकेंड्स का और आपको आंसर करना है, ठीक है। यूट्यूब पर जो क्विज होगा उसमें आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। अंशु, लिविंग वर्ल्ड का क्विज है, लिविंग वर्ल्ड। गाइस दो दिनों से मैं लिविंग वर्ल्ड ही तो पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, लिविंग वर्ल्ड ही पढ़ाया है तो लिविंग वर्ल्ड का ही क्विज होगा। ओके, सबने ज्वाइन कर लिया, 22 पीपल हैव जॉइंड अस, वेरी गुड। चलो चलो हरी अप एवरीबडी, 32 पीपल आर वॉचिंग। सबने नहीं करना क्या क्विज ज्वाइन? ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है संदीप, प्ले स्टोर से ओपन करके इंस्टॉल कीजिए बच्चे। ओके, उजास पहले आपको क्या करना है, आपको पहले जाना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, प्ले स्टोर पर। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नए हैं तो आप नंबर डालिए, साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद सीबीएसई क्लास 11th हैज गोल चुनिए। 11th का गोल चुनने के बाद आप कहाँ जाएंगे, प्लस पर जाएंगे। प्लस पर जाने के बाद ज्वाइन द क्विज। आफ्टर यू ज्वाइन द क्विज आपको कोड अप्लाई करना है 308664। यस पूजा, कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है तो कोई बात नहीं बच्चे, फिर आप यहाँ पर आंसर कर देना, आपके सामने स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो गाइज आई एम स्टार्टिंग द क्विज विद इन 2 मिनट्स, आई एम स्टार्टिंग द क्विज। आई होप सब पढ़कर आए हैं, लिविंग वर्ल्ड एवरीबडी हैज स्टडीड एंड कम। चलो okay guys, I'm starting the quiz, here I start. Five, four, three, two, one. First question on your screens right now. Which of the following is not a habitat? Freshwater lake, hot springs, desert, wooden chair. Which of the following is not a habitat? ये तो बहुत easy question है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था as a question, right? Extremely easy question. Crystal, आप quiz खेल क्यों नहीं रहे हैं? Yes, wooden chair. Anjali, बाला वैष्णवी, गुंजन top 3 में है, फिर गार्गी, कैफी, याशिका, साहिल, अंजलि। Okay, सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, sorry बच्चा लोग। Next question, the expanded form of ICBN is International Code for Botanical Nomenclature, International Center for Botanical Nomenclature, International Code for Biological Nomenclature, International Code for Binomial Nomenclature. बताइए बच्चों,
Yes, answer is A, International Code for Botanical Nomenclature, right? जैसे ICZN क्या है? International Code for Zoological Nomenclature, है ना? तो plants की naming कौन करता है scientific? ICBN. Next question, Which domain do the bacteria which survive in extreme condition belong? हाँ जी, कौन से डोमेन को बिलोंग करते हैं? कल बताया था ना, प्रोकैरिया, यूकैरिया, आर्किया, फंगाई. ऑब्वियसली आर्किया गाइस, तीन डोमेन्स हैं, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया. कार्ल वूस ने दिए थे. किसने दिए थे? कार्ल वूस ने. अंजलि लीड कर रही है, फिर गुंजन, फिर याशिका. टॉप थ्री में ये हैं. अगला क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिनियस इज सिस्टिमा नेचुरे. व्हाट डज सिस्टिमा मीन? ठीक है, वेरी गुड अंशु. चैट बॉक्स में आप सही आंसर करें आर्किया, राइट? अच्छा बताइए, सिस्टिमा नेचुरे जो है वो सिस्टिमा किसने दिया था? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. आंसर बच्चे सी है, सिस्टिमा का मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. अंजलि, कैफी, राहुल टॉप थ्री में, अंजलि, गुंजन, याशिका, साहिल, के स्वाति, कौशल, अर्चना टॉप टेन में है. कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू फाइलम यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स? फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिविजन. जैसे फाइलम होता है एनिमल्स में, वैसे क्या यूज होता है? फाइलम प्लांट्स में तो नहीं यूज होता, तो क्या बोलते हैं आप? डिविजन बोलते हैं. हाँ जी, बिल्कुल सही. तो 58% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है. अंजलि, कैफी, राहुल, अंजलि, गुंजन, के स्वाति, साहिल, कौशल, अर्चना एंड शिफा आर इन टॉप 10. कंग्रेचुलेशंस गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द साइंटिफिक नेम मुस्का डोमेस्टिका, व्हाट डज डोमेस्टिका इंडिकेट? क्या है डोमेस्टिका इंडिकेट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस, डिविजन, फैमिली. बताइए. ऑब्वियसली इट इज स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज, है ना? मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका इज हाउसफ्लाई का कॉमन कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम है मुस्का डोमेस्टिका. कल ही पढ़ाया था ना, राइट? ओके, नेक्स्ट, द फ्रेंच साइंटिस्ट लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ. जो लिनियस है उनको किसका फादर बोलते हैं? फाइलोजेनिका, टैक्सोनॉमिका, सिस्टमैटिक्स का, बॉटनी का. जो चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं अंशु एंड पूजा. अगली बार क्विज खेलना बच्चे. टैक्सोनॉमी के हैं ना बच्चे वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफी, अंजलि एंड अंजलि यादव आर इन टॉप थ्री. अगला क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज बाय लिनियस इज बाइनोमियल, मोनो, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल. द नॉमेनक्लेचर प्रपोज बाय लिनियस इज बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल. इट्स बाइनोमियल गाइस, साइंटिफिक नेमिंग बाइनोमियल ही तो दी थी लिनियस ने, कल ही तो पढ़ाया आपको, ये तो सबका सही होना चाहिए था, राइट? यस, बाइनोमियल. पॉलीनोमियल में तो इतने सारे नाम देते तो जो याद करना मुश्किल हो जाएगा. म्यूजियम्स कीप स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द प्रोसेस फॉलोड फॉर इंसेक्ट प्रिजर्वेशन इज. म्यूजियम की स्पेसिमेंट्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, द प्रोसेस फॉलो फॉर इंसेक्ट प्रिजर्वेशन इज फ्रीज ड्राइंग, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, कलेक्टिंग. मैं पूरा नहीं पढ़ पाई, पर इंसेक्ट्स को जो होता है वो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, फिर पिनिंग करते हैं. ठीक है, कैफी, अंजलि देवी एंड अंजलि यादव टॉप थ्री में, फिर गुंजन, केसवाती, अर्चना, याशिका, गार्गी, कौशल. ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्सोनॉमिकल एड? फाइलोजेनी, बोटैनिकल गार्डन, की, मोनोग्राफ. कल सारे टेक्सोनॉमिकल एड आपको मैंने रिवाइंड सीरीज टू में पढ़ाए थे. जिन्होंने भी रिवाइंड सीरीज टू नहीं देखी जल्दी से जाकर देख लीजिए. ओके, यस, हाँ, आंसर क्या है? फाइलोजेनी. फाइलोजेनी तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है स्टडी करना, है ना, एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट पर. वो टेक्सोनॉमिकल एड नहीं है, राइट?
So our toppers are Kaifi, Anjali Devi, Anjali Yadav, Gunjan Dhoni, K. Swati, Archana Singh Patel, Yashika Sagar, Gargi Panda, Rahul Ranjan, Shifa Khatun, Nandini Verma. So these are top 11 students out of 31 students. ठीक है, 31 स्टूडेंट्स में कैफी ने टॉप किया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस कैफी, अंजलि देवी एंड अंजलि यादव एंड अदर्स ऑल्सो. अगली बार और क्विज होंगे, आप टॉप आने की कोशिश कीजिए, आपको उतने कॉइन्स अर्न करने का मौका मिलेगा. ठीक है बच्चों, ओके. चलो ये हो गया हमारा ये वाला क्विज. ठीक है, दिस क्विज इज डन गाइस. तो आपको क्या लगता है, बस इतना छोटा सा क्विज? नहीं, अब हमारा स्टार्ट होता है अगला यूट्यूब क्विज. ठीक है, आपके लिए सरप्राइज ही सरप्राइज है. अब हमारा नेक्स्ट क्विज स्टार्ट होता है जिसका टाइमर है 60 seconds. ठीक है, 60 seconds काफी है आप लोगों के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट ऑफ. तो Which of the following is correct family of mango? बताइए, आंसर दीजिए. मैंगीफेरा, अनाकार्डेशिये, पोआएशिये, डाइकोटिलेडने. हाँ जी बताइए, इनमें से कौन सी करेक्ट फैमिली है मैंगो की? मैंगीफेरा, अनाकार्डेशिये, पोआएशिये, डाइकोटिलेडने. हाँ जी, अच्छा बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं. हाँ जी, 60 seconds बहुत ज्यादा है, मानती हूँ, बिल्कुल सही मानती हूँ. राइट, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं. ठीक है, सारे बच्चों ने आंसर करना है. ए और बी में टाई हो रहा है. अरे बच्चों, मैंगी फेरा तो जीनस है, अनाकार्डेशिये फैमिली प्लांट की फैमिलीज में सी ए ई से एंड होता है, तो बी आंसर होगा, है ना? राइट, तो मैंगो का अनाकार्डेशिये फैमिली और जीनस है मैंगी फेरा. राइट, और डिविजन है डाइकोटिलेडने. नेक्स्ट, A group of plants and animals with similar trait or any rank is. Timer शुरू हो चुका है. Species, genus, order, taxon. Answer कीजिए. Next question, question number 2. A group of plants or animals with similar traits of any rank is. B, कई बच्चे कह रहे हैं A. बच्चे अगला क्वेश्चन आंसर कीजिए. सेकंड का ए कह रहे हैं कौशल, गुंजन कह रही है डी, ऋषि कह रहे हैं स्पीशीज, आसनिया कह रही है स्पीशीज, याशिका कह रहे हैं ए, अंशु बी. कोई भी सही आंसर नहीं दे रहा सिवाय सलोनी एंड गुंजन के और खुशमन के. और कौन बोल रहा है डी? ठीक है गौरव, तो ये बच्चों ने डी बोला है और आंसर डी है बच्चों. अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज. जब हम कोई भी रैंक ले ले, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो स्पीशीज हो, चाहे वो फाइलम हो, चाहे वो ऑर्डर हो, इट विल बी टैक्सॉन. कोई भी रैंक हायरार्की की क्लासिफिकेशन में, जो हायरार्कियल ऑर्डर है उसमें कोई भी रैंक होगा वो टैक्सॉन खिलाएगा. सो अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स, क्योंकि कोई ना कोई सिमिलरिटी देख के तो उन्हें साथ में रखा गया है ना, है ना, तभी उसे टैक्सॉन बोलते हैं. ओके fine, so this is the definition for taxon. Next question, in rattus is an example of. rattus kiska example hai bataiye. Okay, this timer is not working, kuch gadbad hai. Chalo chodo, aap answer aise hi kar lo. Chalo, in rattus is an example of phylum, species, tautonym, homonym. So Meenu B, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, 52 बच्चे आंसर कर रहे हैं, पर मोस्टली मैं देख रही हूँ कि B और C में लोग बोल रहे हैं, है ना, B and C बोल रहे हैं. ठीक है, यहीं पर आंसर करना है आपको, जो कोड पूछ रहे हैं यू हैव टू आंसर हियर ओनली इन द चैट बॉक्स. आई एम रीडिंग इट, मोस्ट ऑफ द बच्चाज आर सेइंग C. तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? सी गाइस, रैटस जो है किसका एग्जांपल है? टाटोनिम का, है ना. टाटोनिम होते हैं ना, जैसे गुरीला हो गया, रैटस हो गया, नाजा हो गया. जब जीनस और स्पीशी नेम सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं? टाटोनिम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question, everybody. Next question. Linnaeus evolved a system of nomenclature called as monomial, vernacular, binomial, polynomial. चलो आंसर कीजिए. पहली आंसर आने लगे संध्या, खुशी, अंकित, प्रिया, अंशु, यूरोपा, गौरव, खुशी, तनु, गौरव अगेन, यूरोपा, अंकित, पूजा, स्वीकृति, अंशु. सबके नाम नहीं ले पा रही, वासु, ऋषि, बट बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है सब बच्चों में. आई एम सो हैप्पी गाइज एंड एवरीबडी ऑफ यू इज राइट. आंसर सी है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने. राइट याशिका, राइट कौशल, हां जी अंकित, मनीष, रूपा, यस यस यस, ब्लू शील्ड, हां जी बिल्कुल सही. तो आई होप मैंने सबका नाम ले लिया एक बार कम से कम. कोई नाराज तो नहीं होगा, कोई नाराजगी नहीं रखनी अगर आपका नाम नहीं लिया है. ठीक है बच्चों, ओके, मैं जरूर सबके नाम पढ़ जरूर रही हूँ. ठीक है, ओके, हां जी आसनिया, गुंजन, सी है आंसर, डी नहीं है, पूजा, डी नहीं है. पॉलीनोमियल लिनियस ने नहीं दिया था, उल्टा उसने पॉलीनोमियल को डिस्कार्ड किया था. अगला क्वेश्चन, Which of the following is hierarchical sequence? बताइए इसमें से कौन सा hierarchical sequence है सही. टाइमर शुरू हो चुका है, टाइमर इज वर्किंग नाउ. राइट, फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली, फाइलम डिविजन फैमिली क्लास, जीनस स्पीशी ऑर्डर फैमिली, डिविजन ऑर्डर क्लास जीनस. क्या है हमारा hierarchical sequence जो सही है? स्वाति सिंह ए, ऋषि सिंह बी, अविनाश ए, अंजलि ए, निर्मल ए, ओके, ब्लू शील्ड ए, अंशु ए, बहुत सारे बच्चे हैं, स्वाति, याशिका, अंशु, रूपा, ओके, आसनिया, सी कैसे हो गया बच्चे, सी कैसे हो गया, सी नहीं है. आंसर विल बी, चलो आंसर विल बी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर विल बी ए, यस. क्योंकि आप खुद सोचिए बच्चों, जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की तो क्या होता है, सबसे ऊपर किंगडम आता है, किंगडम से ऊपर आता है डोमेन. डोमेन तीन होते हैं, आर्किया, यूकेरिया और यू बैक्टीरिया. किंगडम, फाइलम, फाइलम के साथ साथ आप डिवीजन भी बोल सकते हैं प्लांट्स में. ठीक है, डिवीजन के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. हायरार्की लर्न करनी है आपको, आप कोई भी नोमोनिक रख सकते हैं. जैसे मैंने बताया कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक. ठीक है, तो ये वाला निमोनिक से आप याद कर सकते हैं सीक्वेंस. ओके, ठीक है बच्चा लोग, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, सिर्फ यही है जो बिल्कुल सही मैच कर रहा है, बाकी तो उथल पुथल हो रखे हैं. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. द टर्म स्पीशी वॉज गिवन बाय जॉन रे, लिनियस, डार्विन, एरिस्टोटल. किसने दिया था टर्म स्पीशीज? ओके निर्मय, हां जी बताइए, ए अंजलि, स्वाति ए, अमृता ए, अंकित बी, नमन ए, जितेंद्र ए, अंजलि सही ए, नमन ए, पूजा इज नॉट, पूजा व्हाट आर यू सेइंग बच्चा, अच्छा नमन ए, अंकित ए, स्वाति ए, साहिल ए, प्रिया ए, ओके, फातिमा ए, सलोनी ए, सबके नाम ले लिया और सब सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही. ठीक है, तो जॉन रे हैं जिन्होंने स्पीशीज का कंसेप्ट दिया था. उन्होंने कहा था मॉर्फोलॉजी के लिए सिमिलर जो होते हैं और जो ब्रीड कर सकते हैं दूसरे के साथ वो होती हैं स्पीशीज. बिल्कुल सही, राइट, तो आंसर क्या हुआ, स्पीशीज. ठीक है, जॉन रे ने कंसेप्ट दिया था स्पीशीज का. ठीक है बच्चों, ओके, लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है. डार्विन कौन है, एवोल्यूशनरी थियोरीज दी हैं, ओरिजिन ऑफ डिसेंट की किताब लिखी थी, है ना. एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एंड जूलॉजी हैं. ठीक है बच्चों, सारे साइंटिस्ट के नाम आने चाहिए. चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. बताइए इनमें से लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक किसका है, लीस्ट सिमिलर, पढ़ रहे हैं ना, फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीशी. ऐसा कौन सा टेक्सॉन है, ठीक है, ऐसा कौन सा टेक्सॉन है जिसमें लीस्ट होंगे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए चैट बॉक्स में सारे बच्चों.
हाँ जी ये सही नहीं दे रहे बच्चे सारे, कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं। अच्छा रीना ने बोला है क्लास, अंकित ने बोला है क्लास, गौरव ने बोला है डी, अंशु ने बोला है डी, गुंजन ने बोला है बी, अंशु डी, संध्या डी, गौरव डी, मनीष क्लास, तनुश्री डी, है ना, रूपा बी, गुंजन बी, फातिमा बी, जितेंद्र डी। ओके ओके, बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीजें आंसर दे रहे हैं, अब टाइम हो गया है खत्म, मैं आंसर बता देती हूँ, ठीक है। आंसर क्या है बच्चों? आंसर है आपका बी। जब आप हायरार्की देखते हैं तो हमने कल आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, सिमिलैरिटीज बढ़ती हैं। तो लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसा टेक्सोन बताओ जिसमें सबसे कम सिमिलर हो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें होंगे? स्पीशीज में। सबसे कम किसमें होंगे? किंगडम में, राइट। उससे कम, तो आप देखिए आपको ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। सो सबसे ऊपर क्लास आ रहा है ना, तो क्लास में सबसे लीस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो दिस विल बी योर आंसर, राइट। ओके चलो अगला क्वेश्चन। द फर्स्ट एक्टिंग टेक्सोनॉमी इज, जो पहली एक्ट होती है टेक्सोनॉमी में वो बताइए। डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, पहली एक्ट कौन सी होती है बताइए टेक्सोनॉमी में। रूपा ने सबसे पहले आंसर दिया है बी, फिर सीमा बी, विजेंद्र बी, स्वाति बी, ब्लू शील्ड बी, अंकित बी, स्वीकृति बी, निर्मल बी, अंकित बी, अगेन स्पैम मत कीजिए बच्चों जिनका नाम ले लिया है, गुंजन बी, सत्य, संध्या बी, याशिका बी, शिफा सी यानी सी, ईशा बी, असनिया बी, कौशल बी। ओके मैं देख रही हूँ सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आंसर आपका, आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है बच्चों? बी। फर्स्ट एक्टिंग टेक्सोनॉमी क्या होती है? सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर देते हैं। सो दीज आर द थ्री स्टेप्स, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, देन इज क्लासिफिकेशन, देन इज नॉमेनक्लेचर। ओके गाइस, तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग एंड गिविंग नॉमेनक्लेचर टू एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिज्म इज इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, इट मे बिलोंग टू, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बहुत बार करवा चुकी हूँ, पर बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सही करें, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। एक ऑर्गेनिज्म है जो सेम क्लास में है पर सेम फैमिली में नहीं है, ठीक है, वो किस चीज को सेम बिलोंग कर सकते हैं? दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर दो ऑर्गेनिज्म दे रही हूँ वो सेम क्लास में है पर सेम फैमिली में नहीं है, तो वो किसको बिलोंग कर सकते हैं? जीनस, स्पीशीज, वराइटी, ऑर्डर। तो कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं। श्रीराम डी कह रहे हैं, अंकित डी कह रहे हैं, ब्लू शील डी कह रहे हैं, कौशल डी कह रहे हैं, शिफा डी कह रही हैं, अंकित डी, याशिका डी, बाकी सब गलत कह रहे हैं, ठीक है। रुमित डी कह रहे हैं, बाकी सब गलत कह रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो डी कह रहे हैं। अरे बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास सेम है पर फैमिली सेम नहीं है, तो क्लास और फैमिली के बीच में कौन आता है? कीप, किंगडम, फाइलम, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझको, आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं आप जीनस कैसे आंसर कर सकते हैं? जब दो ऑर्गेनिज्म की फैमिली ही सेम नहीं है तो जीनस कैसे सेम होगा? अगर डॉग और कैट की फैमिली ही सेम नहीं है तो जीनस कैसे सेम होगा? सिंपल सी बात है, नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटी बढ़नी चाहिए ना कि कम होनी चाहिए। तो अगर किसी की क्लास सेम है
और फैमिली सेम नहीं है तो ऑर्डर तो सेम हो ही सकता है ना, ऑर्डर तो सेम हो ही सकता है। जैसे कि आप खुद सोचिए, जैसे कि अगर क्लास मैमेलिया है, राइट, क्लास मैमेलिया है तो ऑर्डर कार्निवोरा हो सकता है डॉग और कैट का, पर फैमिली तो दोनों की अलग है, एक ही कैनिडे है एक की फेलिडे है ना, तो जीनस तो बिल्कुल ही अलग है दोनों का। तो एग्जाम्पल सोच के करिए, अगर किसी का क्लास सेम है ऑर्डर सेम हो सकता है, फैमिली सेम नहीं है, राइट, फैमिली सेम नहीं है, राइट गाइज, यू गाइज अंडरस्टैंड, सॉरी फॉर इट, आपको ये चीज समझ आई? हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए इफ एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच आर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जो डिपेंड करता है सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पर, फ्लोरा की मोनोग्राफ्स कैटलॉग्स, बताइए। ओके, बी 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 बी, ठीक है, सब बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं। सबके नाम नहीं लूंगी पर आप गलत हैं, कुछ कुछ बच्चे गलत बोल रहे हैं पर मोस्टली बच्चे की बोल रहे हैं, तो सारी जनता के साथ में जाऊंगी, ऑडियंस पोल है भाई, ऑडियंस पोल कह रहा है कि की है आंसर, तो मैं मानूंगी ऑडियंस पोल की बात, आंसर बिल्कुल सही है की। पंकज गलत बोल रहे हैं आप बच्चे, आंसर होगा की। की एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड होता है जिसमें हमें दो चॉइसेस दी जाती हैं, दो चॉइसेस, उनमें से एक चॉइस को हमने सिलेक्ट करना होता है, एक को रिजेक्ट करना होता है। तो ये किस पे बेसिस होता है? इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, है ना। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, कल भी मैंने बताई थी, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, अगर एक बात बताओ, अगर मेरे को कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो मैं क्या देखती हूँ, तो अगर मेरे को दिखता है कि उसमें वैस्कुलर टिश्यूज हैं, स्पोर बना रहा है, फ्लावर्स नहीं है, कोन्स नहीं बना रहा, रूट स्टेम लीफ है प्रॉपर, स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है, तो मैं कहूंगी ना ये टेरिडोफाइट है। तो आपने सिमिलैरिटीज देखी ना दूसरे पौधों से, तभी आपने क्लासिफाई किया। अगर डिसिमिलर है तब उससे दूर रखोगे उस क्लास से या फिर उस डिविजन से, कुछ भी, राइट। तो आप सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी किसमें स्टडी करते हैं? की में। फ्लोरा में आप क्या करते हैं? इट इज ऑल द प्लांट्स ऑफ एन एरिया। मोनोग्राफ में आप एक सिंगल टेक्सॉन स्टडी करते हैं, कोई भी एक टेक्सॉन एक एरिया का स्टडी करते हैं। कैटलॉग बस कुछ नहीं होता, एक लिस्ट होती है सारे ऑर्गेनिजम्स की ऑफ एन एरिया। कैटलॉग तो आते रहते हैं, जैसे मैगजीन्स आती हैं वैसे कैटलॉग्स आते हैं ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? कीज। ओके गाइस, चलो अगला क्वेश्चन। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, कहां पर लोकेटेड है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट? सलोनी रघुवंशी पूछ रही हैं कि मैम आपको कौन सा लेक्चर चल रहा है? बच्चे अभी रिवाइंड सीरीज चल रही है, मैंने पढ़ाना बहुत पहले से शुरू कर दिया था, हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तक चैप्टर्स खत्म कर लिए थे, प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर ली थी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल, सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से लिविंग वर्ल्ड करा रही हूँ, रिवाइंड सीरीज मतलब फिर से कुछ कुछ चैप्टर्स रिपीट कर रहे हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, तो बताइए कहाँ है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट? ऑब्वियसली लखनऊ में, है ना। हाँ, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में, NBRI, और वो कहाँ है? डॉक्टर आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ है बच्चों? इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर है, किसी को पता है? जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता, अनिल बिल्कुल सही, कोलकाता, जहां पे सबसे बड़ा आपका बनियन ट्री भी है, ग्रेट बनियन ट्री, जगदीश चंद्र
बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन, ठीक है, कहाँ पर है? कोलकाता में. तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में और जेसीबी आईबीजी में, इंडियन बोटानिकल गार्डन में, ठीक है, इट्स इन कोलकाता. ओके, अम्फान आया था ना अभी, साइक्लोन अम्फान, उससे वो डिस्ट्रॉय हो गई थी उसकी प्रॉप रूट्स, आपके जो लार्जेस्ट बनियन ट्री है उसकी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड कैन गिव कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ एनी वन टेक्सॉन एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो बताओ. हाँ जी, इनमें से कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड है जो आपको एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही अंजलि, कौशल, ब्लू शील्ड, स्वाति, उरूपा, अंशु, अंजलि, अमृता, शिव गलत, गौरव सही, साक्षी सही, याशिका सही, हाँ जी, मनीष सही, स्वीकृति सही, जस सही. मैं नाम नहीं ले पा रही थी, सॉरी बच्चे, बहुत फास्ट जा रहे हैं सारे के सारे. ठीक है, चैट में मतलब भर गई है. आंसर है डी, बिल्कुल सही. जब मैं बोलूं मोनोग्राफ मतलब सिंगल टैक्सॉन की बात हो रही है, मोनो मतलब सिंगल, है ना, तो मोनोग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है. यस ईशा, बिल्कुल सही, ये ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जो एक पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन देता है और वो भी सिर्फ एक टैक्सॉन की. अब वो कोई भी टैक्सॉन हो सकता है, क्या पता मेरा मन करे कि जीनस स्टडी करने हैं कि कौन कौन से कैट के जीनस हैं यहाँ पर. ठीक है, फेलिस कौन कौन से जीनसेस हैं, ठीक है, स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं, तो मैं एक एरिया के स्टडी करना चाहती हूँ. ओके गाइस, फाइन. तो एक पर्टिकुलर टैक्सॉन सपोज करो मुझे स्टडी करना है एक जंगल में, एक एक पर्टिकुलर जंगल के एरिया में कौन कौन से प्राइमेटा ऑर्डर्स हैं. ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं जो प्राइमेटा ऑर्डर के, और कितने नंबर ऑफ जानवर है उस एरिया में. ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, तो वो होगा मोनोग्राफ, जब आप एक सिंगल टेक्सॉन की इन्फॉर्मेशन देते हैं. राइट गाइस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू लंडन इज फेमस फॉर, जो क्यू है लंडन में वो किस लिए फेमस है, बींग लार्जेस्ट बायोलॉजिकल रिजर्व, बींग लार्जेस्ट नेशनल पार्क, बींग वन ऑफ द लार्जेस्ट हर्बेरियम, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, बस तीन और क्वेश्चंस, आसनिया, अंशु, 16 क्वेश्चंस हैं, 10 ऑलरेडी ऐप पर हो चुके हैं, तो सोचिए बच्चों कितने सारे क्वेश्चंस आपके, 26 क्वेश्चंस आपके हो गए इसी चैप्टर के. हाँ जी, क्यू लंदन, कल ही बताया था, रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है, बोटानिकल गार्डन भी है और वहां पे लार्जेस्ट हर्बेरियम भी है लंदन में. सो वन ऑफ द लार्जेस्ट हर्बेरियम एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन आपका कहाँ पर है, लंदन में, क्यू में. ठीक है, ओके, हर्बेरियम क्या होता है, इट इज द कलेक्शन फॉर कंजर्वेशन एंड फॉर एग्जीबिशन एंड मेडिसिन पर्पज के लिए प्लांट्स का हम ग्रो करते हैं, राइट, इन बोटैनिकल गार्डन, सॉरी बच्चों, हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और A4 शीट पे चिपका देते हैं, राइट, अपने प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स. ओके गाइस, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, हाँ जी केदार शर्मा, बताइए आप आंसर दीजिए, नई सिस्टमैटिक्स की, न्यू सिस्टमैटिक्स किसने टर्म दी थी, बेंथम एंड हुकर, लिनियस, जूलियन हक्सले, एपीजी कंडोले, बताइए किसने दी थी टर्म, बेंथम एंड हुकर, लिनियस, जूलियन हक्सले, एपीजी कंडोले. ये याद नहीं है बच्चों को, मेरे को लगता है नाम भूल जाते हैं. तो हमने एक तो जॉन रे पढ़ लिए है ना, जॉन रे ने क्या दिया था बच्चों, जॉन रे ने क्या दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, है ना, स्पीशीज टर्म, स्पीशीज एंड उनका डेफिनेशन दिया था. ओके, लिनियस ने क्या दिया था, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर एंड तीन किताबें लिखी थी, 3 बुक्स जिनका नाम है जेनेरा प्लांटेरियम, स्पीशीज प्लांटेरियम, राइट, एंड सिस्टमा नेचुरे और बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, राइट, ठीक है, ये याद हो जाएगा. और अब हमारे, आप आंसर क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे आंसर, जूलियन हक्सले हैं भाई, जूलियन हक्सले हैं जिन्होंने न्यू सिस्टमैटिक्स बताया था कि टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी भी कंसीडर करिए, है ना,
तो न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने। तो बच्चे एपी कैंडोले में कंफ्यूज हो रहे हैं, एपी कैंडोले ने बच्चे क्या किया था, ही गेव द टर्म टेक्सोनॉमी, ही इज नॉट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बट गेव द टर्म टेक्सोनॉमी, और प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया था इन्होंने। ओके, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दी थी, मैं बताऊंगी, प्लांट किंगडम में बताया भी हुआ है बहुत बार, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दी थी और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी इनटू मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, ओके, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन की थी प्लांट्स की, जिनमें उन्होंने यू नो फ्लावर के स्ट्रक्चर्स पढ़े, नंबर ऑफ एंड्रोशियम गाइनोशियम पढ़े, सारा कुछ क्लासीफाई किया था। ठीक है, एपी कैंडोले ने टर्म दी थी टेक्सोनॉमी की, जॉन रे ने टर्म स्पीशीज दी और डिफाइन की, लिनियस ने थ्री बुक्स लिखी और बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, और जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक कंसेप्ट दिया। ओके गाइस, लिख लिया आपने? मैंने बोला हुआ है ना, एक छोटी सी किताब बनाओ जिसमें सारे साइंटिस्ट के नाम लिखो, साइंटिफिक नेम्स लिखो जो मैं बताती जा रही हूँ, राइट? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, ठीक है, जो लेबल होता है हर्बेरियम शीट पर वो किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करता? डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स, हाइट ऑफ द प्लांट। यस, इट इज हाइट ऑफ द प्लांट। सब सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, जितने भी बच्चे चैट बॉक्स में, सब बच्चों को क्रेडिट जाता है बिल्कुल सही आंसर देने का। सिर्फ एक दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है। जिन्होंने गलत आंसर दिया है, बच्चे पढ़ लो, कल बताया था हर्बेरियम शीट जो होती है उसमें हम प्लांट के आपके प्रेस करते हैं स्पेसिमेन, ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं, और उसमें डेट मेंशन होती है, किसने कलेक्ट किया है, लोकल नेम मेंशन होता है, साइंटिफिक नेम मेंशन होता है, पर हाइट नहीं मेंशन होती। ओके, द हाइट ऑफ द प्लांट इज नॉट मेंशन, ओके, क्योंकि वो टैक्सोनॉमी में कोई फायदा नहीं उसका, राइट? ठीक है, ओके गाइस, सो दिस इज क्लियर टू यू? ओके, ये नीट का एक क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़िए, ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपने आंसर किए हैं सारे क्वेश्चन, ओके, तो हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, पर लाइक बटन नहीं दबे अभी तक। हाँ, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, और रिवाइंड सीरीज लेके आए, मेक दिस रिवाइंड सीरीज सक्सेसफुल गाइस, तभी मजा आएगा, और रिवाइंड सीरीज लेके आऊंगी, ठीक है, अगले चैप्टर्स की। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? क्या बात है, मेरे स्टेटमेंट बोलने से पहले ही आंसर आ रहे हैं सबके। मनोज, मनीष, स्वीकृति, संध्या रानी, शुभम, कृष्णा, हाँ, फातिमा, वेरी गुड, अंशु, स्वीकृति, हाँ जी, शिफा, अच्छा, पूजा, जितेंद्र, अंकित, हिमांशु, सबके नाम ले लिए मैंने, सलोनी, सबके ले लिए, चलो ग्रेट ग्रेट, माफिया, हाँ जी, प्रिया, ओके ग्रेट गाइस, ग्रेट, ओके। सो द आंसर ओवर हियर, सिंस एवरीबडी सेइंग राइट, द आंसर इज सी, क्योंकि एक म्यूजियम में फोटोग्राफ्स नहीं होती, म्यूजियम में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो प्रिजर्व होते हैं वो होते हैं, राइट, प्रिजर्व्ड एनिमल्स, स्पेशली प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी, स्पेशली एनिमल्स, ड्राई करके रखे, प्रिजर्व करके फॉर्मल्डिहाइड में रखते हैं, जार्स में रखते हैं, स्टफ करके रखते हैं, पिन करके रखते हैं, है ना, राइट? ठीक है, सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे गाइज, तो आई होप यू गाइज इन्जॉयड, मुझे बहुत मजा आया क्विज करने में। तो हमारी रिवाइंड सीरीज फॉर लिविंग वर्ल्ड इज ओवर, अब आपको क्या करना है, अगर आपको फुल प्रूफ करना है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जब एक फर्नीचर बन जाता है तो क्या करते हैं, पूरा फर्नीचर बनने के बाद वार्निश लगाते हैं ना, ताकि शाइन आए, है ना, तो उस इसीलिए जब आप भी पढ़ते हैं, आपने हमसे पढ़ा,
आपने पूरा रिवाइंड सीरीज देखा, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, तो अब अगला आपका स्टेप होना चाहिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी इस चैप्टर की पढ़नी है, एक एक वर्ड रीड बिटवीन द लाइंस फर्स्ट थिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूंगी। दूसरी चीज, मैसेज मी विच चैप्टर डू यू वॉन्ट इन रिवाइंड सीरीज, कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं कि मैं रिवाइंड सीरीज में लेकर आऊँ, और सब बच्चे आएंगे उसी में। जब बच्चे ज़्यादा आते हैं ना तब ज़्यादा मज़ा आता है रिवाइंड सीरीज करने में। और तीसरी चीज़, एक बार एनसीईआरटी आपने पढ़ ली फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं कहना चाहूँगी बच्चों, मैंने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, जैसे कि हमने लिविंग वर्ल्ड के ट्यूटोरियल्स किए थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैराथन, क्वेश्चंस, यू नो एमसीक्यूज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रखे हैं, प्लांट किंगडम का पूरा थियोरी कर रखा है, पूरे लेक्चर्स कवर कर रखे हैं, एमसीक्यूज कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रखे हैं, हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार जाकर देखिए उन्हें, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है फॉर सीबीएसई एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को स्टडी कीजिए और देखिए आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ओके। एंड लेट मी नो विच एवर लाइव सेशन यू वॉन्ट ऑफ रिवाइंड सीरीज इन द कमेंट बॉक्स, ओके। ये टेलीग्राम चैनल है livedaily.me/chat, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी क्लासेस की। अब बच्चे, लाइव क्लासेस, इंट्रैक्शन विद द एजुकेटर, लाइव पोस्ट एंड लीडर बोर्ड, ठीक है, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास, जो सब्सक्रिप्शन है उसमें मज़ा ये आता है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्विज कराया, कोई ना कोई बच्चे का नाम रह गया, कोई ना कोई बच्चा लीडर बोर्ड पे नहीं आ पाया, वहाँ पर हर बच्चे लीडर बोर्ड पे देख सकते हैं कि उसका रैंक क्या है। टॉप 10 स्टूडेंट्स लीडर बोर्ड पर आते हैं सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है, लाइव क्लासेस होती है, हम बहुत धीरे जाते हैं हर बच्चे का हाथ पकड़ के उसको, यू नो यू विल बिकम अ टॉपर 100%। आप एक टॉपर ज़रूर बनेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या फिर अगर खुद भी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर टॉपर बनेंगे, ठीक है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, उसकी कोई बात नहीं। बस आशंका बस ये है ना कि सब्सक्रिप्शन में फ़ायदा ये होता है, आपको मेंटरशिप मिलती है, पेरेंट्स टीचर का कनेक्ट मिलता है, बहुत सारे डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलते हैं जो यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब से भी, तो आप ज़रूर क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम, राइट। क्वालिटी एजुकेशन दोनों जगह है, पर अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम हैं आपके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल इट, गो फॉर स्पेशल एंड प्लस। अच्छा, अभी मैं स्पेशल क्लासेस का स्केड्यूल बता देती हूँ आप लोगों को। कल मेरी 10 बजे क्लास है और फिर 11:15 पे क्लास है। टुमोरो, What is date tomorrow? 29th of October, right? कल मेरी 2 क्लासेस हैं, 10 AM एंड 11:15 AM। नोट डाउन कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में मुझे फॉलो कर लीजिए और ये दोनों स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर लीजिए, तभी आपको मैसेज आ जाएगा कि मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ओके। फाइन, केदार, कुंजन, स्वीकृति, अभिषेक, अंकित, समझ आया? चलो, सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th का गोल चूज कीजिए एंड देन गो फॉर सब्सक्रिप्शन गाइस। 10% ऑफ आपको मिल जाता है अगर आप रेफरल कोड अप्लाई करते हैं सिमरन लाइव। आई कम लाइव एवरी डे, सो द कोड इज सिमरन लाइव, ठीक है। बहुत इजी याद करने के लिए कैपिटल्स में लिखना, वरना महंगा पड़ जाएगा, और मेरे से पर्सनल मेंटरशिप लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना है। आपका 10% ऑफ मिल जाएगा और जितना क्विज खेलेंगे उतने कॉइन्स जीतेंगे और कॉइन्स भी आप रिडीम कर सकते हैं, तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और इतना रीजनेबल प्राइस ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके द सब्सक्रिप्शन एंड पर्सनल गाइडेंस, ठीक है गाइस, ओके, सो गो फॉर इट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसका फीचर ये है कि आपको पर्सनल डाउट सेशंस मिलते हैं, पेरेंट्स टीचर का कनेक्ट मिलता है, बहुत सारे लाइव क्विजेस और एक क्रिएटिव कॉर्नर। थोड़ा सा प्राइस ऊपर है पर इट इज वर्थ इट गाइस, ओके, सो यू शुड गो फॉर इट। एंड गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आपका ही चैनल है, ठीक है, अपना चैनल समझ के करो, जैसे कि खुद का चैनल है, खुद के टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, और कमेंट करो, जितने बच्चे कमेंट करेंगे अच्छी चीज़ें और कोई सजेशन देंगे तो बहुत मज़ा आएगा, राइट गाइस, ठीक है, एंड दिस इज डन गाइस, ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।